अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज बनना है बैंगन का भरता, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। उसके लिए जो है मैंने लिए हैं 2 बैंगन इस साइज़ के तकरीबन, ठीक है। और साथ में मैंने लिया है 1 प्याज, जिंजर गार्लिक, लहसुन अदरक और ग्रीन चिली, 4 ग्रीन चिलीज, ठीक है। उसके बाद जो है रेड चिली, लाल मिर्च, करी पाउडर, गरम मसाला, नमक, हल्दी, कलवंजी और नाम भूल गया, इसको क्या कहते हैं, मेथी के पत्ते जो भी हैं, ठीक है, फेनरिक लीव्स, ठीक है, ये टमाटर, 3 टमाटर और तेल, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो गई, तो अब जो है स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। इसको जो है हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए, ठीक है। ठीक है, आप जो है इसको बस ऐसे ही हिलाते जाए, ढक्कन इसका नहीं खोले जब तक इसके अंदर ये सॉफ्ट नहीं हो जाता और जो इतना भी इसके अंदर पानी है वो थोड़ा सा खुश्क नहीं हो जाता, ठीक है। इसको मज़ीद 10-15 मिनट तक जो है इसको ढक्कन लगा के हल्की आंच पे छोड़ देंगे। ये काफ़ी पटाखे मार रहा है लेकिन इससे हमने घबराना नहीं है। ये जब इसका अंदर से बैंगन का पानी खुश्क हो जाएगा ना तो ये पटाखे भी बंद हो जाएंगे, लेकिन एहतियातन जो है हम इसके ऊपर ये लगा देते, वज़न डाल देते हैं ताकि जो है ये पटाखों से ढक्कन ना कहीं इसका हो जाए ना, कुछ भी हो जाए, ठीक है। सो इसको अभी जो है 10 मिनट और हम हल्की आंच पे पकने देते हैं, ठीक है। अब जो है इसको उतार के देते हैं।
अब इसको 10 मिनट और जो है पकने देंगे। ठीक है, अब जो है हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। ठीक है, और ये जो है ये मैश भी कर लेंगे साथ साथ। ठीक हो गया। अब जो है मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई थी स्टार्ट में, जो मैं इसमें ऐड करती हूँ। ठीक है, ये वाला स्टाइल मैं जब बनाती हूँ, ठीक है, और वो है दूध। ठीक है, इसमें हम इतना सा जो है दूध डाल देंगे। फिर जो है इसको अच्छे तरीके से फिर दोबारा से मिक्स कर लेंगे। ठीक हो गया, इसको जो है तकरीबन 5 से 10 मिनट तक, जब तक आपको तसल्ली नहीं हो जाती तब तक आप इसको अच्छे तरीके से भून लें, और फिर जो है आगे मैं आपको दिखाती हूँ इंशाल्लाह। चलें जी, अब ये जो है मुझे जो है ये बिल्कुल मुझे तसल्ली है कि ये पक गया है अच्छे तरीके से। ठीक है, अब जो है हम इसे सेट कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये है मेरा एक स्टाइल बैंगन का भरता बनाने का, जिसमें मैंने दूध भी ऐड किया है। आप चाहे तो इस पे थोड़े से अनियंस की गार्निशिंग कर लें, धनिया डाल लें। मेरे पास आज धनिया नहीं है, सो अनियंस मैं एक्स्ट्रा डालना नहीं चाहती। तो जो है आप इसकी गार्निशिंग करके तो इसको और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी है। और इंशाल्लाह ऐसे ही मैं आगे भी आपको रेसिपीज़ देती रहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।